हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फोर्थ की 9 सितंबर की वर्कशीट करेंगे जो कि 66A है। तो बच्चों, आज हमें चैप्टर पढ़ना है रसरुद्दीन वाला, और जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। उसको पढ़ के हमें उत्तर देने हैं। झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? पाठ दोस्त की पुस्तक में यह वाक्य किसने कहा? हुसैन साहब ने, नसरुद्दीन ने, जमाल साहब ने? किसने कहा था? जमाल साहब ने। अब रोहन मीठे अमरूद खा रहा है। यहाँ पे विशेषण बताए, तो विशेषण होते क्या है? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे कौन सी विशेषता है? अमरूद की, मीठे अमरूद, तो मीठे होगा। अब नीचे दिए गए शब्द की सही वर्तनी क्या है? गर्म जोशी शब्द को कैसे सही लिखते हैं? तो ये वाला हमारा सही है, गर्म जोशी। अब नसरुद्दीन और उनका दोस्त कितने लोगों से मिले? कितने लोगों से मिले थे वो? 3 लोगों से। नसरुद्दीन जमाल साहब के साथ कहाँ घूमने गए थे? कहाँ गए थे? मोहल्ले में गए थे। अब अगले प्रश्न, अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम यूज करना है। किसके लिए? काले गहरे अक्षरों के लिए। तो दीपक, दीपक के माता पिता के साथ बाजार गया, तो ये दीपक के को चेंज करके लिखना है। तो दीपक अपने माता पिता के साथ बाजार गया। अब रेनू की माँ ने रेनू को गुड़िया दी। रेनू की माँ ने उसको गुड़िया दी। तो तीसरा प्रश्न, इसमें सही जगह नुक्ता लगाना है। तो फकीर में फा के नीचे, जमीन में जा के नीचे, साफ में फा के नीचे, और जुल्म में माँ के नीचे, और मंजिल में जा के नीचे। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में क्यों घूमने नहीं जाते थे? ऐसा इसलिए सोचते थे वो, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उन्हें गरीब समझेंगे। तब बंटन कर दोनों घूमने निकले। आप बंटन कर कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में, या मॉल में? तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।